जीरो सब्सक्राइबर से शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, ये वो क्वेश्चन है जो हर उस यूट्यूबर के माइंड में आता है जो एक न्यू यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट करता है और उसकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होती। फिर वो सोचता है कि जीरो सब्सक्राइबर से शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे होगा। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड दिखाऊंगा, सबसे पहले आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूं। मैंने अपने चैनल एग्जैक्ट क्रिएटर पर इसी मेथड को अप्लाई किया। यहां पर देखें कि आपको एक वीडियो नजर आएगी जो मैंने एक दिन पहले अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की थी। ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसकी लेंथ देखें तो 41 सेकंड की इसकी लेंथ है, लेकिन यहां पर आप सर्च फिल्टर में देखें तो ये वीडियो आपको वीडियोस में नजर आएगी, शॉर्ट्स में नजर नहीं आएगी। यहां पर मैं अपने चैनल की आपको शॉर्ट वीडियोस पर लेकर चलूं तो यहां पर देखें कि वो वीडियो आपको शो नहीं होगी, लेकिन उसका फॉर्मेट शॉर्ट्स का है और उस पर अगर आपको व्यूज दिखाऊंगा, यहां पर मैं इसके एनालिटिक्स में आपको लेकर चलूं तो यहां पर आपको डिटेल्स दिखाता हूं। सबसे पहले परफॉर्मेंस दिखाता हूं, इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। यहां पर मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको लेकर जाता हूं। यहां पर देखें रीच के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप नीचे थोड़ा सा जाएं और यहां पर देखें कि शॉर्ट फीड से भी मेरी इस वीडियो के ऊपर व्यूज आए हैं। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जो शॉर्ट्स के सेक्शन में तो शो नहीं हो रही, लेकिन उस वीडियो पर शॉर्ट्स से व्यूज भी आ रहे हैं। अगर आपके चैनल पर जीरो सब्सक्राइबर्स हैं या 10 15 50 100 सब्सक्राइबर कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं तब भी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट तो होगी लेकिन शॉर्ट के सेक्शन में शो नहीं होगी, ब्राउज फीचर से भी उस पर व्यूज आएंगे कि उसके नोटिफिकेशन आपकी ऑडियंस तक जाएंगे। और अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो यूट्यूब सर्च में जब कोई आपकी इस वीडियो को देखेगा तो इस पर ब्राउज फीचर से भी आपकी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज काउंट होंगे और शॉर्ट फीड से भी, जैसे यहां पर अभी आपको शो हो रहे हैं, ये शॉर्ट फीड से भी आपको व्यूज मिलेंगे। इस मेथड को सीखने के लिए अगर आपके चैनल पर जीरो सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो का कोई पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले कल के प्रमोशन विनर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको जाकर दिल से सपोर्ट करके नेक्स्ट पार्टिसिपेशन के लिए वीडियो के अंत तक वॉच करके लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस मेथड को करके दिखाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा डेमो के लिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी शॉर्ट वीडियो को ब्राउज फीचर में भी भेज सकते हैं और इसी शॉर्ट वीडियो पर आप शॉर्ट फीड से भी व्यूज ले सकते हैं। एक टिकट में दो मजे आपको देने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेमो के लिए मैंने अपनी YouTube की एप्लीकेशन यहां पर आपके सामने ओपन करता हूं। करने के बाद सबसे पहले नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। डेमो यहां पर वीडियो अपलोड करूंगा, इसको अनलिस्टेड करूंगा। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपलोड अ वीडियो। ये वीडियो आपने 16:9 में जैसे आपकी शॉर्ट वीडियो होगी उसी को ही यहां पर अपलोड करना है, लेकिन अपलोड अ वीडियो से इसको अपलोड करना है। जब यहां पर आप आएंगे और यहां से मैं एक वीडियो लेकर आता हूं, ये मैं वीडियो लेकर आ गया, अपलोड अ वीडियो में इसको लेकर जाऊंगा, नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर इस पर कुछ भी नहीं लगाता, सिर्फ एक ऑप्शन आपने लिखना है, जो भी आप अपनी वीडियो का टाइटल लिखेंगे एबीसी, जो भी जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट वीडियो का टाइटल लिखने का, यहां पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देखिएगा। यहां पर इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको तमाम चीजें बता दूंगा कि आपकी शॉर्ट वीडियो ब्राउज फीचर में भी जाएगी और उसी वीडियो पर यूट्यूब शॉर्ट फीड से भी व्यूज आएंगे। यहां पर आपने करना क्या है कि जो नीचे आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे देखें एक शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, अपने शेड्यूल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट डेट का जिस भी डेट में, फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट डेट के 7 क्लिक करके यहां पर इसको ओके करता हूं और कल यहां पर मॉर्निंग का इस पर मैं लगा देता हूं 8 AM का टाइम लगा देता हूं। इसको शेड्यूल करके यहां से बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। यहां से मैं डिस्कॉर्ड इसको नहीं करता हूं, यहां से आपने इसको सेव कर लेना है। अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहां पर अभी वो मेथड आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने लगा हूं कि कैसे आपने करना है। इसके लिए आपने अपने अगर मोबाइल पर यूट्यूब की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो क्रोम ब्राउजर में अपने चैनल को YT स्टूडियो में जाकर ओपन करना है, और अगर मोबाइल पर यूज नहीं करते लैपटॉप में यूज करते हैं तो YT स्टूडियो को लैपटॉप में आपने ओपन करना है। यहां से मैं इस वीडियो को अपलोड करके जल्दी से आपको मेथड सिखा देता हूं। दोस्तों जब आप YT स्टूडियो में अपने चैनल के ऊपर आएंगे तो यहां पर इस तरीके से आपको वीडियो नजर आएगी जो कि शेड्यूल होगी, लेकिन आपने इसको शेड्यूल नहीं करना। इस शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेट एज प्रीमियर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहां पर सेटअप प्रीमियर के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी ऐसे। यहां पर कोई भी सेटअप प्रीमियर का कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। यहां पर मैं ब्राइट सिलेक्ट करता हूं, काम सिलेक्ट किया और उसके बाद यहां पर इसकी टाइमिंग कर दें 1 मिनट की, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर देखें कि सेव का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहां पर आपने इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो यहां पर इसको दोबारा आप इस शेड्यूल वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो अब यहां पर देखिएगा कि ये आपको क्या ऑप्शन दिखाता है। यहां पर देखें कि ये प्रीमियर हो गई। जब आप अपने शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग आपने क्या रखनी है, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे के लिए आपने अपने
शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करना है। जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर करेंगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो सिर्फ शॉर्ट्स के सेक्शन में नहीं जाएगी, आपके चैनल के ऊपर 5-10 सब्सक्राइबर्स भी होंगे तो उनको एक प्रीमियर शो होगा। वीडियो अपलोडिंग से पहले उनको शॉर्ट्स का एक नोटिफिकेशन जाएगा। जब शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो आपके चैनल के ऊपर 0 सब्सक्राइबर्स से भी आपकी शॉर्ट वीडियो जरूर वायरल होंगी। इस मेथड को ट्राई करें, अपनी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में भी भेजें, ब्राउज सेक्शन में भी लेकर जाएं ताकि आपकी शॉर्ट वीडियोस वायरल हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।